नमस्कार, मैं प्रज्ञा धाधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी को चौथी ग्रैंड ओल्ड पार्टी डिबेट का विजेता करार दिया। चौथी जीओपी प्राइमरी डिबेट बुधवार को अलबामा के टस्कोलोसा में आयोजित की गई थी और इसकी मेजबानी एक अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क न्यूज नेशन ने की। ट्रंप ने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, इतने सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैं इतिहास की सबसे कम रेटिंग वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट के बारे में क्या सोचता हूं और मैं प्रतिभागियों की कैसे रेटिंग करूंगा। आलोचक होना आसान है, लेकिन इस विषय पर मुझसे बेहतर कौन हो सकता है। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद उनके पिता एमके विश्वनाथन का निधन हो गया। एमके विश्वनाथन ने अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई में काफी संघर्ष किया था। सौम्या के हत्यारों को 25 नवंबर को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सौम्या के 82 वर्षीय पिता को दिल का दौरा पड़ने के बाद सुनवाई से ठीक दो दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह सजा सुनाए जाने की कार्यवाही को अस्पताल से ऑनलाइन देख रहे थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक मंगलवार 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में दोपहर 3 बजे से होगी। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित गठबंधन के शीर्ष नेताओं के निर्णय के बाद बैठक 17 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। खाद्यान्न के सहारे महंगाई अब मुंह न फाड़े, इसके लिए सरकार पहले से ही सतर्क है। गेहूं के आटे की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने किफायती दामों वाले भारत आटा की आपूर्ति बढ़ाने के लिए तैयार कर ली है। साथ ही अपने बफर स्टॉक को मजबूत करने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में गेहूं खरीद केंद्र भी बनाने जा रही है। सरकार की ओर से योजना बनाई गई है कि सरकार जो भारत आटा वर्तमान में 27.50 रुपए किलो में बेचती है, उसकी आपूर्ति बड़े चेन रिटेलरों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से नाफेड और एनसीसीएफ बढ़ाएंगे। अगर आप डीमैट खाता धारक और म्यूचुअल फंड निवेशक है तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। दरअसल देश के मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी ऐड करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। आसान भाषा में कहें तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक यह काम कर ले, वरना आपका खाता बंद हो सकता है। साल भर प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कम सेल्फ लाइफ की वजह से भंडारण में होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई भाभा एटोमोटिक रिसर्च सेंटर ने बड़ी सफलता हासिल की है। बार्क ने रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को विकास किया है। इससे प्याज का लंबे समय तक भंडारण किया जा सकता है। साल भर प्याज की उपलब्धता तो सुनिश्चित की ही जा सकती है, जिससे इसकी कीमत को भी काबू में रखा जा सकता है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक राजकीय यात्रा पर 16 दिसंबर को भारत आएंगे। यह पहली बार होगा जब वह भारत आएंगे। एक बड़ी बात यह भी है कि इसराइल हमास जंग के बाद खाड़ी इलाके के किसी शीर्ष नेता की यह पहली यात्रा होगी। यात्रा का मकसद क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के लिए भविष्य में सहयोग के रास्ते तलाशने पर फोकस करना होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत की यह पहली राजकीय यात्रा भारत और ओमान सल्तनत के बीच राजनयिक संबंधों में एक मील का पत्थर है। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नियुक्ति पर भारत आ रहे हैं। एक अध्ययन में पता चला है कि कोविड-19 का कारण बनने वाले वायरस सार्स COV2 कुछ व्यक्तियों के फेफड़ों में संक्रमण के बाद 18 महीने तक रह सकता है। नेचर इम्यूनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि कोविड वायरस का बने रहना जनजात प्रतिरक्षा की विफलता से जुड़ा हुआ है। कोविड से संक्रमित होने के 1 से 2 सप्ताह बाद सार्स COV2 वायरस आमतौर पर ऊपरी श्वसन नली में पता नहीं चल पाता है, लेकिन कुछ वायरस संक्रमण पैदा करने के बाद शरीर में गुप्त और अज्ञात तरीके से बने रहते हैं। देश में आज आधार कार्ड न केवल आपकी पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन गया है, अब इस आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इसे बनवाने के प्रोसेस में एक बदलाव किया गया है। इसके बारे में UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जानकारी शेयर की है। आधार बनवाने के लिए नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब आधार कार्ड बनवाने के लिए पात्र व्यक्ति की उंगलियों के निशान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयरिस स्कैन के जरिए नामांकन किया जा सकता है। विंडोज 11 पर माइक्रोसॉफ्ट के नोटपैड ऐप में हाल के वर्षों में लगातार सुधार हो रहा है और अब आखिरकार इसे कैरेक्टर अकाउंट मिल गया है। विंडोज 11 के नए कैनरी चैनल टेस्ट वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट से नीचे कैरेक्टर अकाउंट जोड़ दिए गए हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसी डॉक्यूमेंट में वर्ड्स नंबर काउंट करता है, जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्टेटस बार चयन टेक्स्ट और संपूर्ण दस्तावेज दोनों के लिए कैरेक्टर अकाउंट दिखाता है। यदि कोई टेक्स्ट नहीं चुना जाता है तो संपूर्ण दस्तावेज के लिए कैरेक्टर अकाउंट प्रदर्शित होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको हमेशा अपने डॉक्यूमेंट की लेंथ का पता चलता रहे। 68वां राष्ट्रीय रेलवे सप्ताह समारोह 15 दिसंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में होगा। इस अवसर पर वर्ष 2022-23 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय रेलवे के साथ साथ अधिकारियों कर्मचारियों को विभिन्न दक्षता शील्ड और व्यक्तिगत पुरस्कार यानी अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिए जाएंगे। इस समारोह में पश्चिम रेलवे को 5 राष्ट्रीय दक्षता प्रदर्शन शील्ड और 7 व्यक्तिगत राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
एचआईवी की दवा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वेरिएंट कोविड 2 सहित कई कोरोना वायरस से होने वाली बीमारियों को रोकने में कारगर है। शोधकर्ताओं ने कहा कि हमारे अध्ययन से पता चलता है कि CYP3A अवरोधक रेटिनोवायरस और अधिक हद तक कैबोस्टेटेट को स्वीकृत खुराक के नियमों को समायोजित करके वीवो में संभावित रूप से प्राप्त सांद्रता पर व्यापक रूप से प्रभाव एंटी कोरोना वायरस एजेंटों के रूप में पुनः उपयोग किया जा सकता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर में जबरदस्त उछाल आया। अडानी 88 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 14वें और भारत के दूसरे सबसे रईस व्यक्ति हैं। वह अब अंबानी से सिर्फ 4 अरब डॉलर ही पीछे रह गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी 92.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 13वें और भारत से सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस साल उनकी संपत्ति करीब 5.24 अरब डॉलर बढ़ी है। वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज देने वाली एजेंसियों को नीतिगत करने के पूर्व में कई कोशिशों के बावजूद अभी भी इस तरह की कुछ एजेंसियां बाजार में मौजूद है। एक तरफ जहां RBI ने लोन उत्पाद बेचने वाले इन वेब एग्रीगेटर्स के नियमन को लेकर एक विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से भी ऐसे कानूनी प्रावधान करने की तैयारी है जिससे बगैर लाइसेंस के कोई एजेंसी या कंपनी किसी भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके वित्तीय सेवा नहीं दे सकेगी। स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और अहम पहल की है जिसमें ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में मौजूद सभी सरकारी स्कूल अब स्मार्ट क्लासरूम से लैस होंगे। इसके लिए प्रत्येक सरकारी स्कूल को करीब 3 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इससे वह स्कूल की कम से कम 2 कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील कर सकेंगे। इसके साथ ही इन सभी स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ी अध्ययन सामग्री भी मुहैया कराई जाएगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लंबे समय से खाली पदों को लेकर आलोचना झेल रहे शिक्षा मंत्रालय ने मिशन मोड में चलाए गए अभियान में 80% से ज्यादा पदों को भर दिया है। इनमें से आधे से ज्यादा पद OBC, SC और ST वर्ग के हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस मिशन के शुरू होने से पूर्व शिक्षकों के करीब 7,000 पद खाली थे। हालांकि यह शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने व नए पदों के सृजित होने से लगातार घटती बढ़ती रहती है। केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को सूचित किया है कि गुटखा कंपनियों के विज्ञापन करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान व अजय देवगन को नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार के वकील ने यह भी कहा है कि इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, लिहाजा यह याचिका खारिज कर दी जाए। इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मई 2024 की तिथि निर्धारित की थी। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने एक अवमानना याचिका पर पारित किया। पिछले महीने खेले गए विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया की हार के बाद विवाद शुरू हो गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती बता दिया जिस पर जमकर बवाल हुआ। पीएम मोदी को पनौती बताने और ड्रेसिंग रूम में उनके जाने को लेकर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने प्रतिक्रिया दी है। गौतम गंभीर ने न्यूज एजेंसी ANI के साथ पॉडकास्ट में जताया कि भैया जो पनौती शब्द का इस्तेमाल किया गया था वह सबसे खराब शब्द था। यह शब्द IPL के समय भी कई खिलाड़ी और एक्सपर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। यह इतना खराब शब्द है कि आप किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना नहीं चाहते। जब भगवान ने किसी को बनाया तो एक मकसद से बनाया और आप किसी को पनौती क्यों कहें। प्रधानमंत्री के पास पूरे राइट्स है कि वे ड्रेसिंग रूम में जाएं। राज्य के 12 विश्वविद्यालयों को 18 माह पूर्व तक दी गई राशि का हिसाब मांगा गया है। यह हिसाब शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र के रूप में देने को कहा गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव, वित्त परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को जारी किया गया है। राज्य के 17 विश्वविद्यालयों को 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक घोषित स्नातक संकाय का परीक्षा फल को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के नवनिर्मित पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है। इस बाबत शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित कुल सचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों से कहा गया है कि 31 दिसंबर तक परीक्षा फल को विभागीय स्तर पर तैयार पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि लाभार्थियों के दिए गए आवेदनों का मिलान कर सत्यापन किया जा सके। बिहार का मौसम एक बार फिर से पलटी मारी है। अब तक रविवार को बिहार की राजधानी पटना सबसे ज्यादा ठंडी रही। कुछ ऐसा ही हाल इससे सटे जिलों जैसे वैशाली, आरा का भी रहा। ऐसे में मौसम विभाग ने अपनी ताजा भविष्यवाणी में बारिश से राहत तो दे दी है, लेकिन पारे के गिरते रहने की आशंका भी जाहिर कर दी है। पटना मौसम विभाग के मुताबिक अब धूप का रास तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कनकनी भी बढ़ती जाएगी। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह 7 से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति आधारित सर्वे में रोड़ा अटकाने की केंद्र सरकार की कभी भी कोई मंशा नहीं रही है। जब बिहार में भाजपा सत्ता में भागीदारी थी उसने जाति आधारित गणना का समर्थन किया था और राज्यपाल ने बिल को स्वीकृति भी दे दी, लेकिन जाति आधारित गणना को लेकर कुछ मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल ने पटना उच्च न्यायालय और निचली अदालतों के सभी जजों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने में उनके समर्थन की सराहना की है कि बिहार की न्यायिक संस्थाएं कोविड-19 महामारी के दौरान सुचारू रूप से चल सके। राज्य की न्यायिक सेवाओं के सूत्रों ने NDTV को बताया कि पिछले महीने छठ पूजा के दौरान लिखे गए पत्र में जस्टिस करोल ने कहा कि वह भी बिहार की मिट्टी के बेटे हैं, क्योंकि वास्तव में जो कोई भी इस महान राज्य में आता है हमेशा के लिए वह इसी का हो जाता है और इसलिए यह बिहार के मेरे न्यायिक परिवार में आलंकारिक वापसी है।
संसद सत्र के दौरान हर शुक्रवार को नमाज के लिए मिलने वाले आधे घंटे के ब्रेक को राज्यसभा में खत्म कर दिया गया है। यह व्यवस्था राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी है। राज्यसभा में अपनी हर शुक्रवार को लंच ब्रेक 1 से 2:30 बजे तक होता था, जबकि लोकसभा में लंच ब्रेक 1 से 2 बजे तक होता है। राज्यसभा में यह अतिरिक्त आधा घंटा नमाज के लिए दिया जाता था, जो अब सभापति ने नियमों में बदलाव करके खत्म कर दिया है। म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इस साल अक्टूबर तक कुल 142 नए फंड ऑफर से 51,399 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पिछले साल इन कंपनियों ने 32,200 करोड़ जुटाए थे। शेयर बाजार की तेजी से 28,429 करोड़ रुपए इक्विटी फंडों में लगाए गए हैं। सितंबर तिमाही में यह सिर्फ 10,516 करोड़ रुपए थे। इस साल 20 NFO से सर्वाधिक 12,372 करोड़ थीमेटिक फंड से जुटाए गए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी निवेश के लिए बेहतर है। दिल्ली मेरठ गाजियाबाद RRTS कॉरिडोर के पहले फेज पर दोनों की सेवा शुरू होने के बाद अब दूसरे फेज में मेरठ साउथ तक नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू की गई है, जिसके लिए बीते रविवार को मोदी नगर साउथ स्टेशन तक नमो भारत ट्रेनों का ट्रायल रन किया गया। यह ट्रायल सफल रहा और अब मेरठ साउथ तक OHE वायर लगाने का काम पूरा करने के बाद वहां तक ट्रेनों का ट्रायल किया जाएगा। भारत मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के जरिए यूरोपीय संघ से कुछ सूचना एवं प्रौद्योगिकी उत्पादों पर WTO आयात शुल्क विवाद सुलझाने का प्रयास कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन का विवाद निस्तारण समिति ने 17 अप्रैल को एक फैसले में कहा था कि भारत मोबाइल फोन इंटीग्रेटेड सर्किट व ऑप्टिकल उपकरणों जैसे ICT उत्पादों पर आयात शुल्क लगातार वैश्विक व्यापार मानदंड का उल्लंघन कर रहा है। EU ने इन पर भारत से शुल्क रियायतों की मांग की है। भारत का कहना है कि केवल EU को छूट WTO के नियमों का उल्लंघन होगा, इस पर केवल FTA के तहत चर्चा की जा सकती है। रणबीर कपूर और बॉबी देओल के एनिमल की गरज से बॉक्स ऑफिस कांप उठा है। इस फिल्म की दीवानगी रिलीज के 10 दिन बाद भी ऑडियंस के सर चढ़कर बोल रही है और सिनेमाघरों में दर्शकों से खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं। एक्शन, क्राइम, इंटीमेशन, इमोशन और रोमांस सहित फुल एंटरटेनमेंट मसाले से भरी एनिमल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले दिन से ही गर्दा उड़ा रही है। फिल्म को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और यह सिलसिला रिलीज के 10 दिन बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। एनिमल ने रिलीज के पहले हफ्ते में 337.58 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे हफ्ते में भी फिल्म जमकर कारोबार कर रही है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के खत्म होने से 2 दिन पूर्व रविवार को एक मसौदा दस्तावेज जारी किया गया है। इसमें देशों का जलवायु परिवर्तन से निपटने के अनुकूल प्रयासों व सामूहिक प्रगति पर नजर रखने के लिए मार्गदर्शन किया गया है। दस्तावेज में यह स्वीकार किया गया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में फंड की कमी बड़ी बाधा है। वर्ष 2015 में प्रस्तुत पेरिस समझौते के अनुकूल पर वैश्विक लक्ष्य की अवधारणा पेश की। यह वैश्विक न्यूनीकरण लक्ष्य के समानांतर है। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के स्तर के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट घोषित किया है। रिजल्ट के स्कोर कार्ड को एग्जामिनेशन अथॉरिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में काउंसलिंग और एग्जामिनेशन प्रोसेस शुरू होगा। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2024 प्रवेश परीक्षा का आयोजन 3 दिसंबर 2023 को हुआ था। यह परीक्षा पूरे देश भर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, सना परवीन, बाबूलाल मरांडी, सोनल ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, नौशद राजा, मोहम्मद सकीर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में प्याज की कीमत क्या है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।